मैं बहुत टाइम बाद से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारे प्रोफेशन चेंज कर चुकी थी. तो कहीं भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मुझे कौन सा करना है, क्या करना है. और स्कूल की जॉब जो थी बहुत टायरिंग थी. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ईजी रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर. लाइक मॉर्निंग में 6 o'clock उठ के लर्निंग कर चुके हैं टिफिन, एंड फिर वहाँ पे भी 3 o'clock तक वापस. तो वहाँ पे लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी. इतना हार्डवर्क तो था, सब कुछ था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं थी. तो समहाउ मुझे ओली जॉब अपनी छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ माई डॉटर. तो अपनी डॉटर की टेक केयर करने के लिए मैंने ओली जॉब छोड़ी थी. फिर उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया था. मुझे मेरी अपलाइन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, प्रियंका भाटिया ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ओरिफ्लेम के लिए. और मैं उनका बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी और मैं यहाँ तक मैं पहुँची. अब मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है. पहले मैं अकेले काम करती थी और मुझे ज्वाइन किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4 साल हुए हैं. इन 4 सालों में मैंने अपने 6 टाइटल मैंने अचीव किए हैं. ऐसे बनी थी मैं सेप्टेम्बर 16 में. देन उसके बाद डायरेक्टर का मैंने रिकॉग्निशन लिया था फरवरी 17 में. देन सीनियर डायरेक्टर का मैंने रिकॉग्निशन लिया था फरवरी 18 में. देन मैं गोल्ड बनी थी अगस्त 2018 में, एंड देन सीनियर गोल्ड 2018 में. और अब आज के दिन अगस्त 2019 में अगेन सफायर, सेम डे सेम स्टेज. एंड लास्ट टाइम जो मेरा रिकॉग्निशन था, मैंने मल्टीपल टाइटल्स किए थे यहाँ पे, गोल्ड एंड सीनियर गोल्ड दोनों मैंने एक ही मंथ में किए थे. और अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो 2018 में मेरे पास 120 मैनेजर्स थे, 12, 15 and 18% सब मिला के. और अब इस टाइम पे मेरी टीम में 2003 मैनेजर्स हैं. मेरा फोकस उन लोगों पर नहीं रहता जो लोग सेलिंग पे फोकस करते हैं, बिकॉज सेलिंग में उनकी ग्रोथ नहीं है. मेरा फोकस है लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर. जो भी मेरे पास 50 BP का ऑर्डर डालते हैं, मैं उसको ज्वाइनिंग के ऊपर मैं लगा देती हूँ कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करो या ना करो, लेकिन आप अपनी ज्वाइनिंग जरूर कराओ. तो ऑर्डर्स तो उनके प्लेस हो जाते हैं बिकॉज हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है. हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इतने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो वो ले ही लेते हैं. फिर उसके बाद अब आज 2018 में मेरे पास, लास्ट ईयर 2018 में 22 SM थे, और अब 2019 में 68 SM की टीम है मेरे पास, और जो बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं मेरे साथ और मेरी तरह ही काम कर रहे हैं. मेरी जो टीम है उनके अंदर जितने भी SM है, आप किसी से भी आप बात करोगे, उनको पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है हर चीज की, एंड दे आर फुल्ली मोटिवेटेड टू अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, अपने लोगों को गाइड करने के लिए. बिकॉज जो चीजें हम उनको आगे सिखाते हैं, वही चीज वो आगे लर्न करते हैं और वही चीजें आगे डुप्लीकेट करते हैं. और काम मैं कैसे करती हूँ, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है. दोनों का ही मिक्स एंड मैच करके हम लोग करते हैं. जो ऑफलाइन से कर सकते हैं वो ऑफलाइन कराते हैं, जो ऑनलाइन से कर सकते हैं वो ऑनलाइन उनसे कराते हैं. मास रिक्रूटमेंट हमारी होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन से. यहाँ से हम लोग रिक्रूट करते हैं और उसके बाद फिर जो भी लोग आते हैं वो सबके सब उनको फिर हम ऑफलाइन ट्रेनिंग वगैरह देके उनको आगे से और अच्छे से ट्रेन करके देन हम उनको आगे ग्रो कराने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. वेबिनार्स करती हूँ और ऑफलाइन मीटिंग्स भी करती हूँ. ओरिफ्लेम ने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे ड्रीम्स फुलफिल करने में. कैश अवार्ड में अब तक सफायर का टोटल 5.75 लाख का मैं कंपनी से मैं ले चुकी हूँ. मेरी मंथली इनकम 2.5 लाख के आसपास हो चुकी है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी अगर मैं जॉब में रहती. बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी बिकॉज वहां पे अगर इंक्रीमेंट लगता कितना लगता, 10% मैक्सिमम 15% जॉब चेंज करती तभी मैं 2.5 लाख मंथली इनकम के ऊपर तो आना नामुमकिन था. और इतनी इनकम के बिना हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते. तो मैं सपना कपूर हूँ और बहुत सारे सपने देखती हूँ. लोगों को भी सपने दिखाती हूँ, उनका कोशिश करती हूँ कि सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो. ओरिफ्लेम एक ऐसी जगह है जहां पे आके आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे. एक बार सपना देखो, डिटर्मिनेशन रखो, वो जरूर पूरा होगा, ट्रस्ट मी. बिकॉज मैंने ये सब किया है और वो चीजें मुझे ओरिफ्लेम से मिली है, जो चीजें मुझे
नहीं मिलती। स्टॉकहोम अभी क्वालिफाई किया था, फॉरेन ट्रेवल क्वालिफाई किया था। फॉरेन ट्रेवल क्वालिफाई करना एक सपना सा ही लगता था। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सब शायद अपनी मर्जी से फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ईयरली दो ट्रेवल आपको सिर्फ ओरिफ्लेम देगा। आप अपने एक्सपेंसेस पे आई एम श्योर कि आप एवरी ईयर फॉरेन ट्रेवल नहीं करोगे। कहीं ना कहीं पे आपको यही रहेगा कि मैं इस चीज की मैं सेविंग कर लूं, मैं इस चीज की सेविंग कर लूं, लेकिन आप ओरिफ्लेम से जुड़कर अगर आप फॉरेन ट्रेवल आप अचीव करते हैं तो आई एम श्योर कि आप जरूर एंजॉय करेंगे ये वाले सारे के सारे ट्रेवल्स। ये सक्सेस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सक्सेस के फोर पिलर्स हैं। मैं एक आपको मैसेज भी देना चाहूंगी, अगर आप इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपकी सक्सेस डेफिनेट है। मेरी सक्सेस में जो चार चीजों का कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे पहले है मेरी फैमिली का सपोर्ट। सबसे पहले मेरी फैमिली का सपोर्ट है, देन उसके बाद है मेरी अपलाइन प्रियंका भाटिया। आई लव हर सो मच। मैं प्रियंका मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं आपको आई लव यू बोलूंगी। आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हो और मुझे आगे भी आपके साथ जाना है। मेरा था डिटर्मिनेशन, मुझे यहाँ तक सिर्फ डायरेक्टर बनना था, लेकिन प्रियंका इज द वन जिसने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा कि नहीं तू अगला टाइटल कर, तू अगला टाइटल कर, तू अगला टाइटल कर। करते करते उन्होंने मुझे डायमंड तक पहुंचा दिया। लास्ट ईयर ही मैंने अपना डायमंड मैंने स्टार्ट किया है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा 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 ओरिफ्लेम रही है। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया है मेरे साथ। जो मैंने उनको बोला कि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने मेरी ओरिफ्लेम की प्रायोरिटी को दी। उनको पता है ओरिफ्लेम में इसकी जान बचती है। थैंक्स टू माई फैमिली एंड माई किड्स ऑल्सो, वो भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। वो भी मुझे इतना कोऑपरेट करते हैं, उनको पता है मम्मा बिजी है, अभी थोड़ी देर में हमारा कर देंगी जो भी उन्होंने करना है। एंड द थर्ड वन इज डाउनलाइन के साथ मिलके काम करना। डाउनलाइन की अगर हम ग्रोथ कराते हैं तो ही हमारी ग्रोथ होती है। डाउनलाइन की ग्रोथ कराओ, नीचे से काम करते जाओ, अपना आपका काम होता जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज मेरी मेहनत। मैंने बहुत डेडिकेशन से काम किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं। एक्सक्यूजेस आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, मुझे भी काम होते हैं। लेकिन कभी अगर कोई ये बोलता है कि इसका ये रीजन है, मैं इस वजह से ये नहीं कर पाई, वो सोल्यूशन हमें अपने अंदर खुद ही ढूंढना है। अगर वो आपने उस एक्सक्यूज का सोल्यूशन ढूंढ लिया ना, तो उसके नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, उस पार आपकी सक्सेस है। तो जैसे ही आप उन एक्सक्यूजेस को अगर छोड़ते हो, तो आप ये जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं वो आपको खुद को निकालना है, वो हम नहीं ढूंढ के देंगे। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज इन एक्सक्यूजेस को साइड पे रख के मतलब कोशिश किया करो कि वहां से सॉल्यूशन क्या निकलना है। लास्ट में एक मैसेज और देना चाहूंगी, और इसलिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अगर आप दिन में 2 घंटे या फिर आप महीने में अगर आप 2 घंटे अगर आप काम लगा के करते हो, तो उसको आप अगर चेंज करोगे, उसको आप लाइक ज्यादा नहीं तो मतलब डेली आप 4 आवर्स आप दो पूरे 30 डेज, आई एम श्योर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं बोलती कि मैं 12-15 घंटे काम करती हूँ तो आप लोग भी 12-15 घंटे काम करो। अगर आप 4 घंटे भी अगर आप ये वाला काम करते हो, तो आई एम श्योर कि आप आगे अपना फ्यूचर इतना ब्राइट कर रहे हो। और ज्यादा फोकस यही करना है कि टीम को मोटिवेट करना है, टीम के साथ चलना है, टीम को प्रॉफिट कराना है। थैंक यू। Please put your hands